गाइस ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी 12 जो एस्पिरेंट्स बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2018 में जो सबसे ज्यादा आईपी के अंदर मार्क्स सिक्योर करने वाला बच्चा है, क्योंकि मैं जो अपने चैनल पे सबसे ज्यादा आईपी के वीडियोस डालता हूँ, आईपी के लेक्चर डालता हूँ, तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने वाला बच्चा होगा आईपी के अंदर, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप सबने मुझे प्यार दिया है इन लेक्चर्स के थ्रू, अपने एक एक लाइक के थ्रू मुझे बहुत बहुत प्यार किया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, और एक और गिव अवे है, जो भी 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आपको लगता है कि आपने सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं, तो आप मुझे इसके ऊपर मेल कर सकते हैं mindfake@outlook.com, या फिर फेसबुक आईडी है मेरी student.shubham पे एक मैसेज करें अपने रोल नंबर के साथ। अगर आपने सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर किए होंगे, तो मैं आपको एक गिव अवे दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो एक खुशी की बात है, तो अपना रोल नंबर जो है मुझे इन दोनों पोर्टल्स पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दो बच्चों का अगर हाईएस्ट मार्क्स जो है वो सेम आ रहा है, तो जो सबसे पहले मुझे मेल करेगा ना, उसको वो गिव अवे दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से जो है गिव अवे आ रहा है आप लोगों के लिए। हेलो गाइस, दिस इज टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो बेसिकली आज जो है हम आईपी की बात नहीं करेंगे, आज हम ये जो वीडियो है ये सभी जो 12th स्टैंडर्ड में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोग के जो बोर्ड्स हैं वो बस आने ही वाले हैं मार्च के अंदर, बस अब 3-4 महीने और बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो हमें एकदम फुल प्रिपेयर करना है अपने आप को। देखिए कहीं आपको ऐसे बोलेंगे यार ठीक है पढ़ लेंगे ना, कौन से 12th मार्क्स जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्या मायने रखते हैं, कौन पूछता है यार इन रिपोर्ट कार्ड्स को। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा सच मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए मान लीजिए 1% के लिए आपका जो 12th की मार्कशीट है वो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है हमें एक कॉलेज मिल भी जाएगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आप अपने आप को क्या जवाब देंगे कि आपने यार 12 साल के अंदर क्या किया। जब आप किसी चीज से सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होना, तो उस चीज को करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए 12th के मार्क्स जो है उनमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ये हमें सोचना है अपने अंदर, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक दरवाजा है, दरवाजा खोलते ही बोर्ड है, इतना ही टाइम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बचा है। और मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप सभी की जो है एक बार जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वेक अप गाइस, बिकॉज यही एक टाइम है जो आपको आगे कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो 12th बोर्ड के एग्जाम जो है ना वो आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि जो आने वाली लाइफ है वो पूरी इन्हीं जो मार्क्स हैं स्कोर कार्ड पे डिपेंड होने वाली है। ना ही आपको सिर्फ जो अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, बल्कि जो आपके आगे कॉलेज के बाद जो आपके जितने भी फील्ड्स खुलेंगे ना उसमें भी 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से एक पैकेज मिल जाएगा, पैकेज किस बेसिस मिलेगा कि हाउ यू परफॉर्म इन द कॉलेज, ठीक है। तो ये आप गलत फहमी में पाल रहे हैं, जो हमारे बैचेस थे उसके अंदर जो बच्चे कंपनीज के लिए क्वालिफाई कर गए थे इंटरव्यूज के लिए, उनसे सीधे जाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन 10th एंड 12th, अगर आपने पीसीएम के अंदर 85% आपने अगर स्कोर किया है तो आप इन है, वरना आप आउट हैं। तो देखिए कितना जो मायने रखने वाला है आपका जो 12th का जो स्कोर कार्ड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। फर्स्ट चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है मोबाइल फोन्स। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है, आपके मोबाइल फोन्स से। आपका दोस्त भाई पढ़ रहा है वहां पर, ठीक है, और आपको मैसेज कर रहा है यार मेरा तो हुआ ही नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, किसी भी दोस्त पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, भले ही वो आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो। देखिए मेरे साथ जो हुआ था, मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे ना वो क्या करते थे भाई, सब पढ़ लिया लेकिन फोन पे क्या बोलते थे, भाई यार कुछ नहीं आता मेरे को तो, कल तो मैं फेल होने वाला हूँ। तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना हमें उन पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए आगे कौन बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हैं, हार्डवर्क कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो उस चीज का प्रोग्रेस किसका होना चाहिए, आप लोगों का होना चाहिए, ना कि आपके फ्रेंड का। तो जितने भी आपके फ्रेंड बनने का ये जो दावा करते हैं ना उनको सबसे पहले आप भूलिए, कोई आपके काम नहीं आने वाला है आगे 12th का। आप जैसे ही स्कूल पास करेंगे ना वो ना तो आपको आगे से फोन करेगा ना आपको पूछेगा, क्यों भाई, क्योंकि उसका तो हो गया IIT में। आप मरो चाहे गड्ढे में जाओ, चाहे आप NIT में जाओ, चाहे आप कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, चाहे आप पढ़ो ही मत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही सिक्योर्ड ए सीट इन IIT, ठीक है। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको हमें थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी लाइफ के लिए अवॉइड करना है, हमें बस थोड़े दिन के लिए उनको अवॉइड करना है। क्यों करना है, ताकि हम जो है अच्छा परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमें मोबाइल फोन जो है सबसे बड़ी बला यही है, इसको अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग इज व्हाट्सएप, और जितने भी आपके इंस्टेंट मैसेंजर्स है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको हमें अवॉइड करना है।
क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हम आगे जाकर के रिग्रेट करते हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज को अगर यूज करा ना, अगर जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, आप आगे जाकर के रिग्रेट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी लड़की की रिक्वेस्ट कब आती है? जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। देखिए हम जो है अभी बहुत एक ऐसी एज पे है जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है। देखिए अगर सबसे जो सबसे मुश्किल चीज है ना इस दुनिया में पैसा कमाना नहीं है, वो है अपने आप को कंट्रोल करना। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो 10 जगह चलता है एक बार में, लेकिन सफल कौन होता है? जो ज्यादा अवेयर होता है, जो अपने जो माइंड को है ना कंट्रोल करके एक ही चीज के अंदर फोकस करता है। हमें वो चीज करनी है। अगर हमने फोकस कर दिया ना, आई बेट यू आपको 90% लाने से पहले कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो हमें बिल्कुल एकदम फोकस करके हमारी स्टडीज की तरफ एक बार, बस 3 महीने की तो बात है यार, आगे तो लाइफ एक नंबर होने वाली है। बस 3 महीने हम थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि हम अपने आप को एक आंसर दे सके, अपने पेरेंट्स को एक आंसर दे सके कि भाई हमने 12th के अंदर बहुत कुछ किया है, हमने जो 12 साल की मेहनत है वो बिल्कुल एकदम रंग लाई है हमारी, ठीक है। तो हमें एकदम डट के फोकस होके अवेयर होके पढ़ना है कि भाई हमारी आने वाली लाइफ जो है वो उस पर डिपेंडेंट होने वाली है, ठीक है। हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बला आती है वो आती है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। देखिए मुझे पता है कि हर रिलेशनशिप का एक बहुत हमें संभाल के चलना पड़ता है रिलेशनशिप को, लेकिन उस रिलेशनशिप का अगर कोई आगे जाने का जो हमारा रास्ता है वो रोक रहा है ना अगर, तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जितनी अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको थोड़ा कम टाइम दें, मैं तो कहता हूँ थोड़े दिन के लिए रिलेशनशिप को पॉज ही कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मैं तुमसे 3 महीने बाद बात करूंगा, ठीक है। हमें ऐसे होना है, हमें फोकस होना है यार। भाड़ में गई दुनिया, गर्लफ्रेंड फिर मिल जाएगी, लेकिन ये आने वाली जो लाइफ है ना वो वापस नहीं मिलेगी आपकी। और इसको लाइफ को कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीजों का एकदम ध्यान रखना है। देखिए अब हर चीज के पीछे का अगर रीजन है ना तो आप वो चीज करेंगे। अगर आपका किसी लड़की से प्यार है तो आप रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई रीजन हुआ ना अगर 12th बोर्ड का, तो आप उसको पक्का अच्छे से मेहनत करके फोकस करके अवेयर होके डीप जाकर के उसको पढ़ेंगे। अब आपको आपके पास कोई रीजन ही नहीं है तो आप किस चीज की मेहनत करेंगे? सपोज देखिए आप एक डेजर्ट के अंदर फंस गए हैं, ठीक है। डेजर्ट के अंदर आप जो है बिल्कुल फंस चुके हैं, ठीक है। आप 2 दिन हो गए हैं डेजर्ट के अंदर, बिल्कुल धूप है, पानी नहीं मिल रहा है आपको पीने के लिए, ठीक है। आपने बिल्कुल ढूंढ लिया, मरने वाले हो, गिरने वाले हो, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा है, क्या करोगे यार उस टाइम? मर जाओगे? ऐसे तो नहीं मर सकते, एफर्ट्स तो लगाओगे थोड़े। वो एफर्ट्स लगाने हमें, अगर एफर्ट्स लगाए पानी नहीं मिला तो एंड में क्या क्या बचा? टॉयलेट बचा, हम वो भी पियेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रीजन है हमारे पास, हमें जिंदा रहना है तो कुछ पीना ही पड़ेगा। हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पीछे अगर हार्डवर्क करने के पीछे कोई रीजन हुआ आपका, तो आप हार्डवर्क करेंगे 10 बार करेंगे यार, लाइफ बची है, मेरी लाइफ है आगे, मेरे को कोई आगे हेल्प नहीं करने वाला। जो दोस्त आज मेरे को दोस्त कहते हैं ना, वो बिल्कुल याद नहीं करने वाले जब वो कुछ बन जाएंगे और मैं रह जाऊंगा, ठीक है। सबको साथ लेके चलना, मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो यार, थोड़े दिन के लिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए। देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो भी आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन आपके अंदर क्या फील आएगा कि यार मैंने मेहनत नहीं करी साला, कितने दिन पापा के पैसों पे जियोगे यार, ठीक है। तो आने वाली लाइफ जो है आपके ऊपर ही है, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने नंबर लाते हैं, नंबर डू मैटर्स गाइस, नंबर डू मैटर्स, ठीक है। तो हमें एक रीजन लेके चलना है कि यार मुझे IIT के अंदर जाना है, मेरा फोकस ये था कि यार उस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है तो उस लड़की को पाने के लिए मुझे उस कॉलेज में जाना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, 12th में हार्डवर्क किया। एक और बात आता हूँ, जब मैं 12th के अंदर था सब मेरे दोस्त जो थे ना बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे मेरे, लेकिन प्री बोर्ड्स के अंदर मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक हो गई थी, ठीक है। तो मेरा एक भी दोस्त जो था ना वो साथ नहीं था, ठीक है। मैंने जैसे भी अपने एग्जाम जाकर के दिए, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है मैंने कितना सफर किया था, उसके बाद मेरे 85% नंबर आए थे, लेकिन मेरे को पता था कि यार मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर कुछ करने का जो जुनून है ना वो है। मैंने वापस से बोर्ड्स दिए एंड आई स्कोर्ड 92%, और IIP में जो है ना मेरे 100 मार्क्स आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मेरे पास रीजन था कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ के अंदर, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो रीजन ढूंढो अपनी लाइफ के अंदर ताकि आप कुछ आगे जाके कर सकें, ताकि आप जो है 12th के अंदर अपने पूरा जो है इनपुट दे सकें। इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कठिन राह जो होती है ना वो आपको एक अच्छी अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो है 12th के अंदर एकदम फोकस होके पढ़ना है। अभी से मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, व्हाट्सएप फेसबुक सब बेकार है, सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बेकार है, अपना दिन रात एक कर दो, ठीक है। हमें बस पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई रिलेटिव आ रहा है तो आने दो भाई,
तीन महीने बाद मिल लूंगा उनसे, लेकिन मेरे बोर्ड्स वापस नहीं आएंगे। एक बार गया हुआ चांस वापस नहीं आता है, ठीक है। हमें जेई पे भी ध्यान देना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बोर्ड्स है हमारी। अगर आप बोर्ड्स के अंदर, मैं सही कह रहा हूँ, अगर बोर्ड्स के अंदर अगर आपने पढ़ लिया ना ढंग से, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं ना, वो एक नंबर परफॉर्म करने वाले हैं जेई के अंदर। क्यों? क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें से ही आने वाला है। तो अगर हमने साला ट्वेल्थ के अंदर ही कुछ नहीं उखाड़ा तो जेई में क्या उखाड़ लेंगे यार, ठीक है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है माइंड में कि हमारे जो स्कोर कार्ड है वो आगे जाकर मैटर करने वाला है, ठीक है। और अब हमें पढ़ने का कैसा तरीका बनाना है, देखिए अब जो हो गया वो हो गया, अब हमारे पास सिर्फ तीन महीने हैं। सब एड़ी चोटी सबका जोर लगाना है हमें कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है। रात को भाई जितना ज्यादा जग सकते हो जगो, जितना जल्दी उठ सकते हो उठो। हमें बॉडी को भी एकदम साथ रख के चलना है, हेल्दी रहना है, अच्छा खाना खाना है, हमें पूरी नींद लेनी है, पाँच छः घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। पूरा दिन रात लगा दो अपनी, नोट्स बनाओ अपने, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, नोट्स के पास में छोटा छोटा वहां पर लिखो कि भाई इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें बस करना है तो करना ही है यार, मैं कितना भी समझा लूं, आप अगर मोटिवेट होना चाहोगे ना तो 10 वीडियो मिलेंगे आपको एक जैसे, करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि भाई हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ, हाउ टू फोकस ऑन वन थिंग। लेकिन जब तक आप नहीं समझोगे ना तब तक आपको कोई वीडियो नहीं समझा सकता, ठीक है। तो हमें एकदम स्टडी मटेरियल जो है उसको इकट्ठा करना है और हर कॉन्सेप्ट पर लग जाना है। पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन करेंगे ना आप, उसका उतना फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, ऑफन रिपीट होते हैं। तो हमें पहले अपना स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करने हैं हमें, क्योंकि उसी से ही आपका कंसेप्ट जो होगा वो होने वाला है। ज्यादा मजदूरी नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे जितने कर सकते हो ना लगा लो भाई, क्यों? क्योंकि वही आपको नंबर दिलाने वाले हैं, ठीक है। जेई की अगर मैं बात करूँ ना, तो जेई में भी आपके जो है, अगर आपने लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए ना अगर, तो मोर देन इनफ है, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है ऐसे ही चुटकियों पे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो यार, कुछ भी करके पढ़ो, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है ना, इस रीजन के साथ पढ़ो, ठीक है। कोई भी काम नहीं आने वाला, जो दोस्त बनते ना दिखावटी दोस्त जो आपके बोलते हैं भाई हो जाएगा यार कर लेंगे, वो तो कर लेगा, आप लटके रह जाओगे, लटका देगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चिल मारो लाइफ में, लेकिन क्या हमारा जो मोटिव है उसको नहीं भूलना है हमें, जो हमारे को जिंदगी में आगे करना है वो चीज़ नहीं भूलनी है दोस्तों, ठीक है। इसी आशा के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो कमेंट करो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।